हेलो गाइस, आज हम अपने किचन में बनाएंगे। क्या बनाएंगे ज़रा गेस तो कीजिए। आज हम बनाएंगे टॉर्टेला। तो ये एक बाज़ार में मिल जाती है टॉर्टेला का पैकेट पूरा, घूम ले आएंगे और उसको चार हिस्सों में करेंगे। लेकिन चार हिस्से अलग अलग नहीं करेंगे, सिर्फ एक हिस्से को अलग करेंगे। ये देखिए इस तरह, फिर इसमें एक भी हम लगाएंगे मेयोनीज़। आप कोई भी ले सकते हैं, प्लेन वाला भी ले सकते हैं, और मैंने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ये हमारा, इस पर हमने मिलाया है थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। एक तरफ हम लगा देंगे केचप, एक तरफ लगाया है हमने आलू की फिलिंग्स। इसकी रेसिपी के लिए आप मुझे कमेंट्स करिए, इसके लिए पहले हम बताएंगे कि कैसे बनाएंगे। लास्ट अभी हम इसमें यहाँ पे खीरा लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें टमाटर प्याज भी लगा सकते हैं, बट हम सिर्फ इसमें खीरा लगा रहे हैं। अभी एक हिस्सा बाकी है, तो इसमें हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। डालेंगे ऑरिगैनो, उसको मिक्स कर देंगे। फिर इस पर आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स भी डाल सकते हैं, या दाल मोट हो या सेव हो, वो भी आप मैदे के ऊपर लगा सकते हैं। मैंने तो इसमें सेव वाली दाल मोट लगाई है। बस इसको रैप कर दें बराबर से और अच्छे से रैप करके। फिर एक तरफ हम पैन चढ़ा के इस पर बटर ग्रीस कर लेंगे और एक एक करके टॉर्टेला को शैलो फ्राई कर सकते हैं या आप सेक सकते हैं। ज़्यादा देर टॉर्टेला को नहीं बनाया पकाया जाता, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट। इसको हल्के हल्के आँच पे सेकेंगे और डालेंगे। तो बस रेडी हो गया है हमारा टॉर्टेला खाने के लिए। एंजॉय। टॉर्टेला रेडी है, आप भी बनाइए और खाइए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।